ओम शांति। बालक सो मालिकपन के नशे में रहने के लिए मन का राजा बनो। क्या बनो? तार पर थोड़ा सा विचार करो। बालक सो मालिक, बालक तो है मालिक भी है, इसका नशा कितना रहता है, उड़ जाता है ना बीच बीच में। उसका कारण क्या है उड़ने का? व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प कहाँ आते हैं? मन में आते हैं। राजा नहीं है मन के। तो आज पूरी विधि बाबा बताएंगे कि कैसे मन के राजा बनो, क्या हम करते हैं, क्या हमें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या कर लेते हैं। कई बार हमें लगता है ना कि हम ठीक कर रहे हैं, बहुत से साधारण से संकल्प रचते हैं, साधारण सी बात करते हैं और फिर साधारण साधारण करते करते संस्कार भी साधारण। तो आज बाबा बहुत अच्छे से डिटेल में बताएंगे। तैयार हो? प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो? सबसे पहले तो अपने आप से ये बात करो कि आपको इस महावाक्य के आधार पर और डिटेल में जानना है, समझना है। जब तक अपने आप से बात नहीं करोगे तो समझ नहीं पाओगे। हम सुन रहे होते पर सुन नहीं रहे होते। सुनने के लिए बैठे जरूर हैं पर समाने के लिए और अनुभव करने के लिए नहीं सुनते। अगर स्मृति में ही नहीं रहेगा तो अनुभव कैसे करें? ये सब शब्द सुने हैं, बालक भी सुना, मालिक भी सुना, राजा भी सुना, सब सुने हैं, मन भी सुना, पर इसके अंदर अर्थ कितने गहरे हैं कि अगर हम बालक बने तो कैसा होना चाहिए, मालिक बने तो कैसा होना चाहिए, नशा हो तो कैसा होना चाहिए, राजा बने तो कैसे होने चाहिए। अर्थ तो गहरे हैं। तो पहले अपने आप को समझाएं। क्लास में आए हैं, बैठे हैं, पढ़ने के लिए बैठे तो पढ़ने के लिए ही बैठे। बुद्धि को इधर उधर मत भेजें। बुद्धि का काम है भटकना, पर अगर आपने मन को समझा दिया तो मन जो संकल्प रचेगा बुद्धि उसका साथ देगी। तो मन बुद्धि संस्कार ये आत्मा की शक्तियां हैं, इसका सदुपयोग करें। इसका दुरुपयोग करके हालत देख रहे हो क्या हो गई, अब इसका सदुपयोग करें।